हमारे सनातन धर्म में कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन क्या ये कर्म मनुष्य को भोगने पड़ते हैं? क्या माता पिता द्वारा किए गए कार्यों का भोग भी, उनके कर्मों का फल भी उनके बच्चों को मिलता है? तो चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में इसी कर्म चक्र के बारे में, जो कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊं। एक बार एक व्यक्ति था जो कि मजदूरी का काम करता था गांव में, और उसे मजदूरी करने पर केवल दिन के 20 रुपए ही मिलते थे। लेकिन उस 20 रुपए में से भी वह अपना आधा इनकम, यानी कि जो उसकी इनकम थी 20 रुपए, उसका आधा हिस्सा वो जरूरतमंद लोगों को देता था, और उस बचे हुए 10 रुपए में ही अपने घर का गुजारा किया करता था। धीरे धीरे उस मजदूर का परिवार बढ़ने लगा। उसने शादी की। शादी करने के बाद उसके 2 जुड़वां बच्चे थे। तब भी उसकी आय नहीं बढ़ी, आय वही रही जो पहले थी। तब भी वह अपनी आय का आधा हिस्सा दान में देता, लेकिन अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बच्चों की जरूरतें बढ़ी, घर परिवार की जरूरतें बढ़ी। तब भी उसने अपनी आमदनी का आधा हिस्सा ही अपने घर के प्रयोग में लिया। उसके बच्चे उससे पूछने लगे, पिताजी हम स्कूल कब जाएंगे? हमारी ये रोज एक नई डिमांड करते हैं उससे। और वह व्यक्ति उन्हें हर वक्त यही समझाता कि वक्त आने पर तुम्हारी सारी सुविधाएं, तुम्हें सारे सुख मिल जाएंगे, बस तुम प्रतीक्षा करो। और वह परिवार इसी तरह से चलता रहा। लेकिन कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी दिन पर दिन रोने लगी, परेशान रहने लगी कि अब मैं घर का काम कैसे चलाऊं, किस तरह से करूं। एक दिन माँ को इतना परेशान देख के वो दोनों बच्चे माँ के पास गए और माँ से पूछने लगे, पिताजी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए कि हमारे घर में खाना भी नहीं बनता? पहले तो हम फिर खाना खाते थे, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अन्न का दाना भी नहीं होता, तो हमारे पिताजी कहाँ चले गए, कब लौटेंगे? तो उनकी माँ ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी शिव जी के पास चले गए हैं, वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। कुछ दिन तो बच्चों ने सब्र किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात बच्चे सोचने लगे कि अगर पिताजी घर नहीं लौटेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे हम स्कूल जाएंगे, कैसे हम पिताजी के कंधों पे सवार होकर घूमने जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम माता को कुछ नहीं बताते और एक बार हम कैलाश पर्वत जाते हैं और शिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताजी को वापस भेज दो, ताकि हम अपनी सभी जरूरतें पूरी कर लें। अब दोनों छोटे बालक चल दिए बिना किसी ज्ञान के कि उन्हें किस तरह से जाना है, बिना घर पे बताए कैलाश पर्वत की ओर। रास्ते में जाते जाते दोनों बच्चे निकल पड़े यात्रा पर। यात्रा में निकले तो एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। अब जंगल पार कर रहे थे तो उन्हें एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखा। थक चुके थे यात्रा करते करते, तो सोचा उस वृक्ष के नीचे आराम कर लें। घना जंगल था, जिस वजह से वहां कोई आता जाता नहीं था। दोनों बच्चे वहां आराम करने लगे। कुछ समय के पश्चात उन्हें वृक्ष से आवाज आई, बच्चों तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी भी आने से घबराते हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा, हमारे पिताजी कैलाश पर्वत चले गए हैं शिव जी के पास, मैं हम वहीं जा रहे हैं अपने पिताजी को लेने के लिए। तो वृक्ष को लगा कि बेचारे बच्चे चलो कोशिश तो कर रहे हैं, तो उनसे कहता है कि हे बच्चों, जब तुम वहां जाओ, कैलाश पर्वत पहुंचो और शिव जी के दर्शन करो, तो उन्हें मेरा भी प्रणाम कहना, और मेरा एक सवाल है, क्या तुम उनसे पूछोगे? तो बच्चों ने कहा, हाँ हम जरूर पूछेंगे। तो वृक्ष ने कहा, मैं हजारों साल से इसी योनि पर यहाँ पर अटका हुआ हूँ, कोई यहाँ आता नहीं, कोई मेरी सारी टहनियां भी नीचे झुक गई हैं, कोई किसी को मैं छाया नहीं दे पाता, किसी को मैं कोई फल नहीं दे पाता, तो मुझे इस योनि से मुक्ति कब मिलेगी? बच्चों ने कहा, हम जब भी शिव जी से मिलेंगे तो आपके इस सवाल का उत्तर उनसे जरूर मांगेंगे। और वह दोनों बालक आगे चल दिए। अब आगे चलते चलते जंगल पार हुआ, लेकिन जंगल पार होने के बाद उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सेठ बहुत सारे मजदूरों को लेकर कुछ कार्य करवा रहा है। जब उन्होंने उस सेठ से पूछा, सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा, मैं कितने वर्षों से यहाँ पर एक कुआं बनवाना चाह रहा हूँ, जो कि राहगीरों को मदद करे आने जाने में। लेकिन तुम नन्हे बालक, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतने छोटे से बालक इस जगह पर किस तरह से पहुंच गए? तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ नजर नहीं आते। तो
तो उन बालकों ने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरी माता घर में बहुत परेशान है क्योंकि मेरे पिताजी कैलाश पर्वत चले गए हैं शिव जी के पास, तो हम शिव जी के पास जा रहे हैं अपने पिताजी को लेने के लिए। अब सेठ ने तो कहा, तुम तो नन्हे बालक हो और नन्हे बालक के सारे सवालों के जवाब शिव जी देते हैं, तो जब तुम उनसे मिलो तो उनसे पूछना, मैं इतने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी धन संपदा है, सब कुछ है, ये मेरी चाह है कि मैं राहगीरों की मदद के लिए पानी का कुआं बनवाऊं, तो ये मेरा पानी का कुआं इतने सालों से क्यों नहीं बन पा रहा। बालकों ने कहा, सेठ जी, जैसे ही हम शिव जी से मिलेंगे तो आपके इस सवाल का उनसे जवाब मांगेंगे और वापसी में आपसे मिलते हुए आपको उस सवाल का जवाब देकर ही जाएंगे। और सेठ जी को प्रणाम करके दोनों बालकों ने उनसे विदा ली और अपनी राह पर चल दिए। फिर वह दोनों बालक नदी के एक किनारे पहुंचे। एक खूबसूरत सी मछली नदी से बाहर आई, नन्हे बालकों को देखकर कहने लगे, इतने कोमल, इतने सुंदर बालक, तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। बालकों ने फिर से अपनी व्यथा सुनाई। मछली को तरस आया और कहने लगी, तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूं। मछली ने उन्हें नदी पार करवाई और नदी पार करवाने के पश्चात उनसे कहने लगी, जब तुम शिव जी से मिलो तो उनसे पूछना कि और कितने वर्ष मुझे इसी योनि में रहना है। बालकों ने कहा, हम जरूर आपके सवाल शिव जी से पूछेंगे। जब नदी पार होके वो दूसरे किनारे पहुंचे, रास्ते में जंगल में एक मृत शरीर पड़ा था। जब वो मृत शरीर को लांग कर निकलने लगे तो वहां से आवाज आई, बालकों, तुम यहाँ कैसे। दोनों बच्चे एक अनजान आवाज से डर गए, लेकिन जब देखा कि वह आवाज मृत शरीर से आ रही है, तो बालकों ने उस मृत शरीर से कहा, आपके पास से आवाज कैसे आ रही है। वहां से उसको जवाब मिला, पता नहीं, तुम बालक यहाँ इतने वर्षों में इस जंगल में आए, मेरी मृत्यु को तो कितने वर्ष बीत गए, लेकिन ना तो मेरा शरीर सड़ता है ना गलता है, इसी तरह से इसी व्यथा में पड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो। बालकों ने अपनी व्यथा फिर से बताई सारी। अब उसने पूछा और उस मृत व्यक्ति ने बालकों से कहा, जो आवाज आ रही थी उनको, ना तो शरीर हिल रहा था ना डुल रहा था, सिर्फ मृत शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन एक आवाज गूंज रही थी कि शिवजी से पूछना कि क्यों मेरा शरीर सड़ गल नहीं रहा, क्यों मेरा शरीर ऐसे ही पड़ा है, क्यों मुझे इससे मुक्ति नहीं मिल रही, क्यों मैं इसी बंधन में बंधा हुआ हूँ। बालकों ने कहा, हम जब भी कैलाश पर्वत पहुंचेंगे आपके सवाल को शिव जी के आगे जरूर रखें। और इसी तरह यात्रा करते करते वह दोनों बालक पहुंच गए कैलाश पर्वत, वो परम धाम, जो सुंदरता, जो शिव जी का धाम है, जहां जाकर सब व्यक्ति को हर बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है, सुख की असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसे ही वह बालक वहां पहुंचे और उन्हें शिव जी के दर्शन हो गए, जब शिव जी के दर्शन हुए तो उन्होंने शिव जी ने उन बालक, इतने कोमल सुंदर शरीर के बालक, तुम यहाँ तक कैसे आए और क्यों आए। तो बालकों ने उनसे कहा, हे परम पिता, मेरी माता कहती है कि मेरे पिताजी आपके पास, वह बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, वो हमारा लालन पोषण भी नहीं कर पाती, कहती है पिताजी होते तो सब कुछ हो जाता। तो शिव जी ने उनसे कहा, तुम सुंदर बालक हो, तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तुम वापस जाओ, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही हो, परेशान होगी, उसे तंग मत कर। दोनों बालकों ने शिवजी को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। विदा लेने से पहले रास्ते में जो जो लोग उन्हें मिले, जो जो चीजें उनके साथ हुई, उन्होंने शिव जी को बताई और उनसे सबके सवाल भी पूछे। शिव जी ने उन्हें सब सवालों के उत्तर भी दिए और दोनों को विदा किया। अब वापसी में चलते चलते सबसे पहले उन बालकों को वही मृत व्यक्ति मिला। जैसे ही वो बालक उस मृत व्यक्ति के पास पहुंचे तो मृत व्यक्ति को कहने लगे, हमने तुम्हारा सवाल पूछा शिव जी से, उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में बहुत ज्ञानी थे, इतना ज्ञान तुम्हारे पास था कि उस ज्ञान से दुनिया को प्रज्वलित कर सकते थे, उनको नए रास्ते दिखा सकते थे, लेकिन वो ज्ञान तुमने सिर्फ अपने तक रखा, किसी को भी नहीं दिया, जिस वजह से तुम्हारा शरीर मुक्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो ज्ञान कर्ज के रूप में समाया हुआ है। जैसे ही वो कर्ज तुम उतार दोगे, तुम्हें इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें इस मृत शरीर से भी तुम्हारी आत्मा आराम से मुक्त हो जाएगी और तुम्हारा शरीर पूरे तरीके से परम शक्ति में विलीन हो जाएगा। तो मृत व्यक्ति कहने लगा, इस घनघोर जंगल में इतने सालों से जब कोई नहीं आया तो अब क्या आएगा, सिर्फ तुम दोनों बालक ही तो हो, तो यहाँ बैठो,
मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान बता देता हूँ। और वो बालक वहां बैठे उस मृत व्यक्ति से सारा ज्ञान लिया। जैसे ही सारा का सारा ज्ञान उन बालकों को दे दिया, उन्हें वहां से मृत व्यक्ति के पास से आवाज आनी बंद हो गई। वो मृत शरीर वैसे ही पड़ा था जैसे एक शरीर होता है, अर्थात जैसे ही उसने अपना ज्ञान दूसरों को बांटा, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब वह बालक आगे चले। आगे चलते हुए वहां पे उनको वही मछली मिली जिन्होंने उसे नदी पार कराई। अब मछली ने पूछा कि तुमने मेरा सवाल पूछा? तो बालकों ने कहा हाँ पूछा। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है जिसे तुम समा के बैठी हो, इस वजह से तुम्हें इस योनि से मुक्ति नहीं मिलती। तो मछली ने वह सारा अमृत निकाल कर उन दोनों बालकों को पिला दिया और उसे भी इस योनि से मुक्ति मिल गई। रास्ते में फिर बालक उस सेठ से मिले जो कुआं बनवा रहा। बालकों ने सेठ को बताया, शिव जी ने कहा तुम्हारे अपने घर में दो कुंवारी कन्याएं हैं, तुम उनके भविष्य की चिंता ना करके पहले राहगीरों की मदद करना चाह रहे हो जिस वजह से तुम्हारा कुआं पूरा नहीं हो पा रहा। सबसे पहले अपनी पुत्रियों का विवाह करो, कन्या का दान करो और देखो तुम्हारा कुआं बन जाएगा। सेठ को वो दोनों बालक बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा क्या तुम मेरी पुत्रियों से विवाह करोगे? और सेठ ने उन दोनों बालकों का विवाह अपनी पुत्रियों से कराकर खूब सारा धन संपदा उनको देकर अपने दामाद को और उन पुत्रियों को विदा कर दिया। जब उन्हें विदा किया कुछ समय के पश्चात सेठ का कुआं भी बन गया। आगे चलते चलते रास्ता खत्म होने पे आया, जहां से यात्रा शुरू हुई थी उसी को छोर पे वो पहुंचे। वो छोर था सबसे पहला उनका पेड़, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। अब पेड़ को उत्तर देना था। बताया शिव जी ने कहा पूर्व जन्म में तुम्हारे पेड़ छाया के नीचे, तुम्हारे वृक्ष की छाया के नीचे बहुत बड़े विद्वान लोगों को ज्ञान देते, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर समाया है, वो ज्ञान तुमने किसी को नहीं दिया जिस वजह से तुम्हें इस जगह की मुक्ति नहीं मिल रही, तभी तुम इतनी बड़ी उम्र के होने पर भी इसी तरह से इसी योनि पर अटल खड़े हो। विद्वान तो उस पेड़ ने भी अपना सारा ज्ञान उन बालकों को दे दिया और प्रार्थना की कि अब उसे इस योनि से मुक्ति मिल जाए। इस तरह से पूरी यात्रा करते हुए जब वह बालक वापस अपने घर पे लौटे तो उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। अपने बालकों को देखकर माता बहुत बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन तब तक इस पूरी यात्रा के दौरान शिवजी से असीम कृपा पाने के बाद रास्ते में मिले हुए सारे फल लेने के पश्चात उन बालकों को ज्ञान हो चुका था कि अब उनके पिताजी कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन उन बालकों को वह सब मिल गया जो बड़े बड़े लोगों को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता। कितनी विद्या प्राप्ति के पश्चात भी उन्हें वो यश नहीं मिल पाता, धन संपदा नहीं मिल पाती, ये वही कर्म थे जो उनके पिता ने किए थे, यानी कि माता पिता द्वारा किए गए कर्मों का फल उन बालकों को मिला, क्योंकि उनके पिता ने जीवन के हर पड़ाव में अपने आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दिया और अच्छे कर्म किए, तो उन कर्मों के फल के माध्यम से बच्चों का जीवन सफल हुआ, उन्हें परम ज्ञान प्राप्ति हुई, सब कुछ हुआ। तो इसी तरह से हमारे कर्मों का फल हमारे आने वाली पीढ़ियों को अवश्य मिलता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो और हमारा ये दिया हुआ मैसेज आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।